नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दौरों पर हैं दूसरे राज्यों के। जहां जहां आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां वहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए दौरा कर रहे हैं। और तमाम राज्यों में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां वहां आम आदमी पार्टी की ओर से एक कॉमन ऐलान किया जा रहा है, वो है मुफ्त बिजली का। जी हाँ, मुफ्त बिजली दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है दिल्ली वालों को 200 यूनिट तक। लेकिन अब जो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की नई अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें उन्होंने नया पावर टैरिफ अनाउंस किया है, उसमें पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 5% से अब 7% सरचार्ज दिल्ली के लोगों को देना होगा। ये सरचार्ज क्या है, पहले आप ये जान लीजिए कि पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज क्या है। तो पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज जो है बेसिकली वो सरचार्ज है जो बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी जो कि रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन के लिए इकट्ठा किया जाता है, उपभोक्ताओं से वो लिया जाता है और बाद में डिस्कॉम यानी कि जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनको दिया जाता है। इसके जरिए बिजली कंपनियाँ जो है अपना घाटा कम करने में भी इसकी मदद लेती हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार पर आरोप ये लग रहे हैं कि वो दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं और दिल्ली की जनता पर ज़्यादा भार डाला जा रहा है इस सरचार्ज को बढ़ाकर, जिसकी ज़रूरत नहीं है, कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है। साथ ही साथ आपको हम ये बताते हैं कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हारून यूसुफ हैं उनका क्या बयान आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हर जगह 300 यूनिट का मुफ्त बिजली देने का वायदा कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। पहले तो उनको दिल्ली में जो दिल्ली के लोग हैं उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देनी चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो सरचार्ज बढ़ाया गया है ये फैसला रोल बैक होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कई और आरोप भी लगाए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। पहले आप ये सुन लीजिए। उस टैरिफ ऑर्डर में जिस तरह का जिगमरोल किया गया है, पेंशन ट्रस्ट का जो पेंशन के नाम पे टैक्स है, पेंशन ट्रस्ट का जो टैक्स है वो 7% पहुंचा दिया गया 5%, जबकि 2016-17 में 0% वसूल किया जाता था। आज पेंशन ट्रस्ट के नाम पर जिस तरीके से लूट मचा दी है दिल्ली के लोगों को, इस साल 596 करोड़ रुपए एडिशनल पे करना पड़ेगा और 7% से 1372 करोड़ रुपया जो है वो इनकम होगी पेंशन ट्रस्ट को। कहाँ जाएगा पैसा कुछ नहीं पता। इसी तरीके से अगर आप देखें जो बाकी सरचार्ज बढ़ाए गए हैं, चाहे वो बिजली का फिक्स सरचार्ज हो चाहे फ्यूल सरचार्ज हो, अगर आप इन सब तमाम चीज़ों को देखेंगे तो दिल्ली के लोगों की आंख में धूल झोंकी जा रही है। उनका कहना कि हमने बिजली के रेट नहीं बढ़ाए, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि हमने सरचार्ज के रेट कम किए हैं। पेंशन ट्रस्ट 3.5% से बढ़ाकर आज 7% हो गया। वो तो ये टैक्स तो दिल्ली के लोग दे रहे हैं। तो ये कहना कि हमने सबसे सस्ती बिजली कर रखी है, मैं समझता हूँ दिल्ली की बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है अगर हम ये तमाम टैक्स लगाए। आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में वादे करते फिर रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री दे बिजली देंगे, केजरीवाल जी खुदा के वास्ते दिल्ली के लोगों को तो 300 यूनिट पहले दे दें। तो हारून यूसुफ को आपने सुना, पूर्व ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 596 करोड़ का जो अधिभार है वो दिल्ली की जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पावर एक्सपर्ट सौरभ गांधी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वक्त में जो बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी मृत्यु भी हुई है, ऐसे में ये पेंशन कम होनी चाहिए, ये सरचार्ज कम होना चाहिए था, लेकिन इस सरचार्ज को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ सरकार पर उन्होंने क्या कुछ कहा है और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बारे में क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। दिल्ली की जनता के ऊपर इस बार DRC ने फिर से तकरीबन 400 करोड़ का एक छुपा हुआ चार्ज बढ़ा दिया है, यानी कि सीधे तौर के ऊपर दिल्ली के बिजली के बिलों में इस साल जनता को 400 करोड़ रुपए अधिक अपने बिलों से देने पड़ेंगे बिजली कंपनियों को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पेंशन ट्रस्ट के नाम से एक चार्ज जो छुपा हुआ चार्ज जो
बिलों के अंदर आता है लग के, उसके अंदर लगभग 2% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो लगभग लगभग 1400 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता से वसूले जाने हैं। इस चार्ज को लेकर आरडब्ल्यू ने लगातार सवाल उठाए थे कि इस चार्ज का असली दायित्व पूर्ति के लिए या तो दिल्ली सरकार जिम्मेवार है या फिर बिजली कंपनियां जिम्मेवार हैं, लेकिन पेंशन का जो पैसा है वो दिल्ली की जनता से पिछले चार सालों से लगातार बढ़ोतरी के साथ वसूला जा रहा है। जबकि अगर आप एक चीज़ ध्यान करें कि जो लोग कर्मचारी 60 साल से ऊपर होते हैं उनको पेंशन मिलती है, पिछले चार सालों के अंदर बहुत से कर्मचारी जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, तो पेंशन कम होने की बजाय हर बार बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में सरकार पर निशाना साधने में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बयान जारी किया गया है। आपको बता दें उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, प्रवीण शंकर कपूर का ट्वीट सामने आया है, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का अधिभार डाला जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा ट्वीट के जरिए, ये भी आपको दिखाते हैं। तो दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हर राज्य में फ्री बिजली बांटते घूम रहे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सहारे दिल्ली की जनता पर 500 करोड़ रुपए का अधिभार डाला। नाजायज पेंशन सरचार्ज 5% से बढ़ाकर 7% किया गया। तो तमाम आरोप यहां पर दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको आंकड़ों के जरिए हम बताते हैं कि दिल्ली की जनता जो कि बिजली की खपत करती है उसे कितने यूनिट तक कितने प्रति यूनिट कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दिल्ली में 2021 से 22 के लिए बिजली की जो दर है वो इस तरह से है कि 0 से 200 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट है, 201 से 400 यूनिट तक 4.5 रुपये प्रति यूनिट है, 401 से 800 यूनिट तक 6.5 रुपये प्रति यूनिट है और 801 से 1200 यूनिट तक 7 रुपये प्रति यूनिट है। जबकि 1200 यूनिट से अगर ज्यादा आपका बिल आता है तो फिर आपको प्रति यूनिट 8 रुपये देने होंगे। साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है ही। इसके अलावा आपको इस बीच हम ये भी बता दें कि इस साल कई राज्यों में बिजली के दाम बढ़े हैं, बिजली के बिल पर उसका असर हुआ है। चाहे बात उत्तराखंड की जाए, बिहार की जाए या छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की बात करें, तमाम राज्यों में बिजली की दर महंगी हुई है। दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज 5% से बढ़कर 7% पहुंच गया है। अक्टूबर से ये ताजा सरचार्ज जो है, बढ़ा हुआ सरचार्ज जो है वो लागू हो गया है। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।